स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तरुण नामदेव और वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज कुछ व्लॉग नहीं होने वाला है। एक्चुअली आज मैंने कुछ परचेस किया है जो कि है, ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगा मैं आप सभी का। तो ये है सोनी का PlayStation 5। तो मैंने आज ये ख़रीदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं एक डांसर हूँ तो मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने वीडियोस पर ध्यान देना चाहिए, मैंने ये क्यों ख़रीदा। सो रीज़न ये है कि गेमिंग से मेरी लाइफ जुड़ी हुई है। मेरा आधा बचपन जो है गेमिंग में गुजरा। जब मैं छोटा था तो हमारे घर के पास में एक गेमिंग की दुकान होती थी जहाँ पर PS2 खिलाते थे। तो 5 रुपये में आधा घंटा और 10 रुपये में 1 घंटा, तो मैं बहुत खेलता था वहाँ पर। सुबह 7 से 12 मेरा स्कूल होता था। 12 बजे स्कूल से आकर मैं घर जाता ही नहीं था, घर जाने से पहले वहीं जाके खड़ा हो जाता। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो जो भी लड़के खेलते रहते थे तो मैं उनकी हेल्प करता था स्टेज कंप्लीट करवाने में। मैं डेली जाता था ना वहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया था। तो मान लो किसी को कुछ आता नहीं है तो मैं उससे बोलता कि ला भाई मैं करके देता हूँ, तो आधा 1 घंटा में खेल लेता था। तो ये हरकतें थी मेरी। तो तब से मेरा गेमिंग को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लगाव है। और मुझे कब से ही मन था कि मेरा खुद का एक PlayStation हो, मैं खरीदूं। लेकिन तब थोड़े से नहीं थे, अभी थोड़े से हैं, तो मैंने सोचा कि ख़रीद लेता हूँ। और सडनली आज मेरा अचानक मालूम नहीं क्या हुआ, एक्चुअली मैं कार्ड रीडर लेने गया था जो कि मुझे अपने लैपटॉप के लिए चाहिए था, तो वो मुझे मिला नहीं वहाँ पर सोनी के स्टोर पर। तो मैंने इसको देख लिया और खुश नसीबी देखो मेरी कि टुडे इज़ ब्लैक फ्राइडे सेल। तो एक्चुअली इसकी जो कॉस्ट है ये है 57,990, मतलब 58,000 का है टोटल। लेकिन आज मेरे को वो ब्लैक फ्राइडे था तो 10,000 रुपये का डिस्काउंट था, तो मैं खुश नसीब अच्छे थे। तो सुबह से लेकर मैंने शाम तक सोचा, मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा सोच के आता हूँ मुझे लेना चाहिए कि नहीं। और फाइनली मैंने सोच लिया कि चलो ठीक है, हिम्मत कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये तो हो गई फालतू की बात, मैंने आपको ज़्यादा टाइम खा लिया है अपनी फालतू की बातों में। लेकिन एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे लगा आप सभी को सुनानी चाहिए, तो मैंने सुना दी। तो अब बारी है इसको अनबॉक्स करने की। और मैंने कई चीज़ें खरीदी है इस महीने, लास्ट अक्टूबर में भी मैंने कई सारी चीज़ें खरीदी थी। एग्ज़ाम्पल मैंने अभी तक का मेरा सबसे एक्सपेंसिव शू ख़रीदा है जो कि है 66,000 का। एंड आई ऑल्सो परचेस्ड iPhone 15 Pro Max। सो उसके लिए भी आप मुझे बधाई देना चाहते हो तो दे सकते हो कमेंट्स के थ्रू। कॉन्ग्रेचुलेशंस तरुण, कीप ग्रोइंग, ऐसे लिख सकते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको अनबॉक्स करते हैं। और अच्छा लग रहा है, मुझे मालूम नहीं मैं इसको ज़्यादा खेल पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैंने आज इसको ख़रीदा है। थोड़ा सा मुझे लग भी रहा है कि बहुत सारे पैसे चले गए, लेकिन एक खुशी भी हो रही है कि चलो जब भी मुझे टाइम मिलेगा सो मैं खेलूँगा। तो ठीक है, थोड़ा सा भारी है और मेरी चप्पल को अवॉइड करना है, ऐसे तो मैं छुपा लेता हूँ इसके पीछे। और मैं बड़ा दरिंदगी से फाड़ता हूँ कुछ चीज़ें जब मैं लाता हूँ। तो एक्चुअली मैं इसको सोच रहा था कि अपने एक दोस्त से मंगवाऊं जो कि अमेरिका में रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है वो चलती है। तो वहाँ से भी अगर मैं इसे मंगवाता तो ये भी इतने में ही पड़ता, और मुझे मालूम नहीं था कि इंडिया में भी वो सेल चलती है। तो लकीली मुझे मिल गया सस्ते में, 10,000 का फ़ायदा हो गया। और इसमें चलो वो जो बात है वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं इसको अच्छे से निकाल लूँ वरना गिर गया ना तो फिर नुकसान हो जाएगा। कभी कभी शो ऑफ करना भी अच्छा नहीं होता है, समझ रहे हो बात को। और मेरी दाढ़ी पे ध्यान मत देना। और ये जो आप चश्मा देख रहे हो ये नंबर का नहीं है एक्चुअली, ये स्टाइल है एक्चुअली। ये जो लाइट मैंने लगा रखी ना यहाँ पे, ये बहुत हार्मफुल होती है आँखों के लिए। तो जब भी मैं शूट करता हूँ तो मेरी आँखें उसके बाद काफ़ी जलती है। तो मैंने सोचा कि ये पहनकर मैं आप सभी के सामने अनबॉक्सिंग करूँ। हो सकता है कुछ लोग मुझे कंडील समझे या फिर चश्मे समझे, लेकिन मैं हूँ नहीं। तो इसमें एक तार ये है, ये
ये इसका रिमोट है, कंसोल क्या बोलते हैं इसको, एंड इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे। और ये इसका दूसरा तार है गाइस, ये टाइप सी का केबल है जो शायद टीवी से कनेक्ट हो सकता है। और जहाँ मैं रह रहा हूँ ना अभी, इतना गंदा टीवी है ना इनका, मेरा मकान मालिक अगर मेरी वीडियो देखता तो सुन लेना कि टीवी चेंज करवाओ यार, अच्छी लगवाओ, इतना किराया लेते हो, अच्छी टीवी नहीं लगवाते हो। ये गुस्सा उनके लिए था। ये तीसरा तार, तार ही तार है गाइस। और वॉट इज़ दिस, शीशा तो नहीं है इसमें, अपना मुंह देख सकूँ मैं वैसा, नहीं ये कुछ और है आई थिंक, जो प्ले स्टेशन है उसको क्या बोलते हैं उसको यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो जो है वो है। इसको भी साइड में रखते हैं। वो दिन काफ़ी अच्छे थे यार बचपन के, एक फ्री माइंड होके गेम वगैरह खेलना कितना अच्छा लगता था। अभी बड़े होने के बाद है ना, इतनी टेंशन्स आ जाती है लाइफ में, घर की, करियर की, बहुत सारी, तो बच्चे ही रहे तो अच्छा है। नहीं वो कुछ उसका वारंटी कार्ड था तो वो गिर गया गाइस, तो वो आपके काम का नहीं है गाइस, वो मेरे काम का है गाइस, तो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है गाइस। ये है हमारा प्ले स्टेशन, भारी है यार, इट इज़ हैवी। वो हाँ, मैं अभी कुछ दिनों से, चलो वो बताना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे लगता नहीं है, चलो छोड़ देता हूँ, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल मुझे नहीं वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे लेटेस्ट कुछ व्लॉग देखोगे, आई थिंक इससे पहले वाला और अभी वाला, तो आप मेरे अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखोगे। मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन आप समझ जाना, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो डे बाय डे आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, वो सभी आपके लिए, ताकि मैं आप सभी को एक अच्छा कंटेंट दे सकूँ, आप सभी मुझे अच्छे से सुन सके, समझ सके। तेरे लिए जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए। तो ठीक है गाइस, ये है हमारा प्ले स्टेशन जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, वाइट कलर का है, टी शर्ट भी मैंने वाइट कलर की पहनी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कलर्स मैच हो जाते हैं। मैं तुम्हें याद है, मैं ऋतिक सर से मिलने गया था, तो मैं वो पता है उस टाइम है ना, ब्लैक जीन्स और ऊपर जाने कौन सा शर्ट पहना था, फिर मेरा मन अचानक चेंज हुआ, मैंने कि आप ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनते हैं, सर भी वही पहन के आए, कॉपी कर रहे थे। मजाक है वो, ऋतिक सर सॉरी। तो ये फालतू की बातें बहुत करता हूँ मैं, मेरी मम्मी भी ये बोलती है। तो गाइज ये है प्ले स्टेशन 5, साइड से आप देख सकते हो, ये जितने भी इसमें स्लॉट्स है ये सब टीवी से कनेक्ट करने के लिए, टीवी या फिर जो भी होते हैं, दो USB केबल के हैं स्लॉट, एक टीवी का है ये वाला HDMI। इस टाइप से ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें मैं काफ़ी सारे गेम्स खेलने वाला हूँ। अभी मेरा जो टीवी है यहाँ पर वो अच्छा नहीं है, तो अगर हुआ तो मैं भी इसको उस पर कनेक्ट करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि एक गेम खेल कर देखूँ। एक्चुअली इसमें जो गेम्स के होते हैं ना, गेम्स की CD परचेस करनी पड़ती है, या फिर आपको गेम ऑनलाइन परचेस करना पड़ता है तब जाकर आप खेल सकते हो, तो उसके 2-3 हज़ार मुझे अभी और देने पड़ेंगे, उसके बाद जाके मैं कोई एक गेम परचेस करूँगा। तो अभी इसमें जो आया है वो है क्रिकेट, शायद देखते हैं, मन हुआ तो खेल कर दिखा दूँगा एक बार, और अगर नहीं तो नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप ये सब देखना हो, तो मुझे मेरे ख्याल से आप सब मेरी बातें सुनने आते हो, क्योंकि मेरी बातें ज़्यादा अच्छी लगती है आपको। तो ठीक है, हुआ तो दिखा दूँगा, वरना कोई नहीं। तो ये वीडियो यहीं तक करते हैं ख़त्म, है ना, फिर मिलेंगे, और दुबई का Part 2 आने वाला है व्लॉग का, तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे तरुण के व्लॉग्स, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए